जय हिंद साथियों एंड वेलकम टू एनडी स्माइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीईटी 2023 के बारे में। यहाँ पे हम स्पेशली कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि एडमिशन प्रोसेस एक्चुअली किस तरह से होती है। तो चलिए जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने कुछ फ्लो चार्ट बनाए हैं। इस फ्लो चार्ट के द्वारा हम आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, आपकी जो आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है, आप सभी ने आपके मार्क्स है वो काउंट कर लिए हैं। अब बारी है आपके प्रॉपर परसेंटाइल की। आप सभी को अभी वेट है परसेंटाइल की कि आपके एग्जैक्ट कितने परसेंटाइल आने वाले हैं। तो मैं जैसे कि बता दूं, आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है 12 जून 2023 को। बट दोस्तों, उसका प्रॉपर टाइमिंग क्या है आप सभी को तो नहीं पता, बट चलो मैं बता देता हूँ उसका प्रॉपर टाइमिंग क्या है। तो दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, सीईटी सेल जो भी रिजल्ट या जो भी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करती है उसका जो प्रॉपर टाइमिंग रहता है वो लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी डिस्प्ले किया जाता है। तो दोस्तों, जो आपका 12 जून 2023 का रिजल्ट है वो डिस्प्ले होने वाला है शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी हो सकता है। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, आप सभी को आपके प्रॉपर परसेंटाइल पता चल जाएगी कि आपको कितने परसेंटाइल मिले हैं। उसके कुछ दिनों के बाद, मतलब 2 या 3 दिनों के बाद पोर्टल ओपन होगा कैप राउंड का। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने सीईटी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया था एग्जाम के लिए, सेम उसी तरह से आपको अभी कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको नेट कैफे में जाके, साइबर कैफे में जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है कैप राउंड के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद आपको कुछ एफसी सेंटर की लिस्ट मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, जहां पे आपके नजदीकी एफसी सेंटर के लिए आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर मान लो आप नागपुर में रहते हो तो नागपुर के जो भी एफसी सेंटर है उसकी डिटेल आपको सीईटी सेल प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपको वहां पे जाके आपके जो डॉक्यूमेंट है उसे वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको कॉलेजेस में एडमिशंस मिलती है। तो आपको क्या करना है, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस करेंगे कैप राउंड के लिए तो आपको 2 बंच या 3 बंच एक्स्ट्रा बनाने हैं। एक बंच आपको एफसी सेंटर पे देना पड़ेगा, एक बंच आपको कॉलेजेस में देना पड़ेगा और एक बंच आपको आपके पास रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको 3 बंच की जेरोक्स कॉपी निकालनी है। जो ओरिजिनल है वो आपको कॉलेज में देना है, जो जेरोक्स कॉपी है उसको एफसी सेंटर पे देना है, और जो एक सिंगल रहता है उसे आपको आपके पास रखना है। तो ये फंडा हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर आपने अभी तक हमारे डॉक्यूमेंट्स का वीडियो नहीं देखा है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप डॉक्यूमेंट का वीडियो देख लीजिए। अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, ये होने के बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। अब बात करते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का क्या फंडा रहता है। तो दोस्तों, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब आपकी जो रैंक है वो कम ज्यादा हो सकती है, बट दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें प्रॉपर आती है। प्रोविजनल मतलब इतने स्टूडेंट का इतना रिजल्ट आया है, मतलब वो प्रोविजनल रहता है, एग्जैक्ट नहीं रहता, मतलब वो टेंटेटिव रिजल्ट आपको शो किया जाता है। उसके कुछ 2 या 3 बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट मिलती है, जिसमें पूरा टोटल आपका जो आपके परसेंटाइल है, आपके मार्क्स है, कितने मार्क्स मिले हैं, वो पूरा आपको मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपका स्टार्ट होता है जो आपकी जर्नी है कॉलेजेस में एडमिशंस लेने की, वो प्रॉपर जर्नी शुरुआत होती है। आपको फिर और फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ऑप्शन फॉर्म। तो दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि आपको सीईटी सेल कितने कैप राउंड प्रोवाइड करता है।
जैसे कि पिछले साल तीन कैप राउंड थे, तो तीन ही कैप राउंड में जून स्टूडेंट का फर्स्ट कैप राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ था, उनका सेकंड में हुआ। जिनका फर्स्ट या सेकंड में नहीं हुआ उनका थर्ड में हुआ। तो इसलिए दोस्तों कैप राउंड ज्यादा से ज्यादा तीन रहना कंपलसरी है। अगर तीन रहे तो आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों तीन कैप राउंड में बहुत ज्यादा चांस रहते हैं आपको कॉलेजेस में एडमिशंस मिलने के लिए। तो दोस्तों इसलिए मैं ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट के लिए कैप राउंड तीन ही होना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, फिर ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना है कैप राउंड वन के लिए। वहां पे दोस्तों आपको कॉलेजेस के एडमिशंस मतलब कॉलेजेस के नाम डालने हैं, जो भी कॉलेजेस में आपको एडमिशंस चाहिए आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, तो आपको उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस डालने हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसा देना है जो आपको मिले। अगर आपको लगता है कि वो कॉलेज आपको मिल रहा है तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको सेकंड कैप राउंड के लिए या थर्ड कैप राउंड के लिए नहीं जाना है तो दोस्तों आप तभी आपका जो फेवरेट कॉलेज है उसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालिए। अदरवाइज दोस्तों जो आपका एकदम हाई लेवल का कॉलेज है उसे ही फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालिए। अगर मान लो किसी बच्चे को 59 परसेंटाइल मिल गए और 59 पे उसे उसके आसपास का कोई कॉलेज मिल रहा है, अगर उसने उसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला तो दोस्तों वो ऑटो फ्रीज होके उस बच्चे को सेकंड या थर्ड कैप राउंड में जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे ऐसा कॉलेज डालना है जो आपको बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है कि उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकती है। तो ये सब हुआ दोस्तों फर्स्ट कैप राउंड का। तो उसके बाद दोस्तों जैसे आप कैप राउंड में ऑप्शन फॉर्म पूरा फिलअप करेंगे उसके बाद आपको अलॉटमेंट होगी। अलॉटमेंट होने के बाद दोस्तों आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं, ऑटो फ्रीज, फ्रीज, बेटरमेंट। अब बात करते हैं ऑटो फ्रीज क्या है, फ्रीज क्या है और बेटरमेंट क्या है। ऑटो फ्रीज मतलब जैसे मैंने आपको बताया एक स्टूडेंट है जिसका नाम राम है, उसको 59 परसेंटाइल मिले और उसके जो जहां उसके नजदीकी कॉलेज है वहां पे 59 पे वो कॉलेज उसको मिल रहा है। अगर उसने उस कॉलेज का नाम फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला और गलती से सीटी सेल ने उसे ही सिलेक्ट कर लिया कि उस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल रही है, तो वहां पे ऑटो फ्रीज होके उस स्टूडेंट को वही उसी कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी रहता है। उस कॉलेज उस दोस्त को सेकंड कैप राउंड के लिए थर्ड कैप राउंड के लिए जाने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसा डालना है जो आपको लगता है कि वो इम्पॉसिबल है। तो ये होता है दोस्तों ऑटो फ्रीज। अब बात करते हैं फ्रीज एंड बेटरमेंट की। फ्रीज मतलब दोस्तों जो आपने आपके मर्जी से फ्रीज किया, मतलब आपको चाहिए वही कॉलेज चाहिए तो दोस्तों उसे कहते हैं फ्रीज। उसे दोस्तों फ्रीज कहते हैं, तब भी आपको 1000 रुपए पे करके आपको आपकी जो फ्रीज है उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों जो बेटरमेंट है, अगर आपने फ्रीज किया तो आपको वहां पे एडमिशन लेना पड़ता है, आपको सेकंड या थर्ड कैप राउंड के लिए नहीं जाना पड़ता। और बेटरमेंट ऐसा ऑप्शन रहता है वहां पे आपको 1000 रुपए पे करके आपको उस कॉलेज के एडमिशन आपको बुक कर लिया जाता है, मतलब आपकी रिजर्व रहती है वो सीट और आपको सेकंड या थर्ड कैप राउंड के लिए जाने का मौका मिलता है, तो उसे कहते हैं बेटरमेंट। दोस्तों मुझे पता है आप सभी को अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि एक्चुअली ऑटो फ्रीज क्या है, फ्रीज क्या है, बेटरमेंट क्या है। हम इसका भी एक स्पेशल वीडियो आपके साथ लाने वाले हैं, तो दोस्तों इसके बारे में आपको अभी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन फॉर्म आपको कैप राउंड टू फिलअप करना है। ये होने के बाद आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशंस कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन फॉर्म सेम प्रोसेस है दोस्तों, ऑप्शन फॉर्म फिल करना है आपको कैप राउंड टू का, उसकी अलॉटमेंट होगी। सेम प्रोसेस आएगी ऑटो फ्रीज, फ्रीज, बेटरमेंट। उसके बाद दोस्तों थर्ड कैप राउंड आएगा, कैप राउंड का जो आपका है सेम उसे वहां पे आपको फाइनल अलॉटमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपको कॉलेज में जिसमें जाना है एडमिशंस करना है, मतलब वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, आपका जो एफसी सेंटर पे दिया गया जो बंच है उसे भी आपको सबमिट करना है, वहां पे कंफर्मेशंस करनी है आपकी एडमिशंस। कंफर्मेशन एडमिशंस करने के बाद आपको जो वैकेंट सीट है वो कॉलेजेस डिस्प्ले कर दी जाती है। जैसे ही आप आपकी एडमिशन कंफर्म करते हैं तो दोस्तों आपका जो कैप राउंड का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद जो भी आपकी सीट्स रिजर्व रहती है या सीट्स आपके कॉलेजेस में वैकेंट रहती है वो कॉलेजेस डिस्प्ले करती है। डिस्प्ले करने के बाद वहां से स्टार्ट होता है स्पॉट राउंड प्रोसेस। स्पॉट राउंड प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद वो आपका कॉलेजेस का मैटर रहता है कि कॉलेजेस कितनी सीट्स फिर देती है, कितनी वैकेंट रहती है, कितने स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, तो वो कॉलेजेस के ऊपर रहता है कितनी फीस आपको कॉलेजेस को देनी पड़ती है। उसके बाद स्पॉट राउंड का बहुत ही इजी सिंपल प्रोसेस रहता है, वो कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके लिए आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन कॉलेज ही प्रोवाइड कर सकती है। वहां पे आपको सिंपली स्पॉट राउंड में एडमिशन करना है, तो आपको क्या करना है, स्पॉट राउंड के लिए जाना है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको कॉलेजेस अलॉट करेगी कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, आपके हिसाब से उसकी कुछ अमाउंट रहती है। तो दोस्तों ये रहा आपका सिंपल प्रोसेस जैसे कि हमने आपको बताया है। तो दोस्तों इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। रही बात आपके कॉलेजेस की, तो हम आपके साथ पूरे डिटेल कॉलेजेस के रिव्यू शेयर करने वाले हैं। तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर आपको, मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों को अभी भी नहीं पता रहता है कि एक्चुअली एडमिशन प्रोसेस किस तरह से करना पड़ता है, इसलिए दोस्तों हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।